पौड़ी के रहने वाले शहीद कमल सिंह रावत का पार्थिव शरीर जब घर पहुंचा तो सैकड़ों की संख्या में लोग वतन के बलिदानी को विदाई देने पहुंचे। ताबूत में पार्थिव शरीर लेकर सेना के जवान जैसे ही पापड़ी गांव में घर के दरवाजे पर पहुंचे, पूरा गांव शोक में डूब गया। पत्नी रजनी और बच्चों का रो रोकर बुरा हाल हो रहा था। शहीद कमल सिंह अपनी पत्नी के साथ दो बेटियों को पीछे छोड़ गए। बड़ी बेटी 10 साल की है, छोटी की उम्र 5 साल है। दोनों बच्चे समझ नहीं पा रहे कि आखिर ये क्या हो गया है। आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। कमल इकलौते थे जिनसे पूरा परिवार चल रहा था। घर में माँ है, बूढ़ी दादी है, पिता पहले ही दुनिया छोड़ चुके हैं। घर के पास नाते रिश्तेदार और आसपास के लोगों की भीड़ लगी थी। कोई दुपट्टे से आंसू पोंछ रहा था तो कोई पल्लू से आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश कर रहा था। परिवार से लेकर गांव तक सब सदमे में है, लेकिन गर्व है कि गांव का बेटा देश के लिए शहीद हुआ। इस वक्त पौड़ी जिले में मैं मौजूद हूं और पापड़ी गांव है जहां ये गांव की बात करें तो शहीद कमल सिंह रावत का ये गांव है और उनके पार्थिव शरीर को इस वक्त उनके गांव में लाया गया और परिवार के पास अंतिम दर्शन के लिए रखा गया और अब अंतिम संस्कार के लिए पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है। और ये कमल सिंह रावत का पूरा गाँव देखिए उमड़ा हुआ है उनके घर पर, आखिरी विदाई देता हुआ, श्रद्धांजलि देता हुआ, नमन करता हुआ, क्योंकि उन्होंने देश के लिए अपनी जान गंवा दी, देश के लिए शहीद हो गए। और कमल सिंह रावत के बारे में बताएं तो शुरुआत से ही जो ये गांव के लोग बताते हैं कि फौज में जाने की इच्छा थी, बचपन से तैयारी की, फौज में गए और उसके बाद फौज में ही देश के लिए शहीद हो गए। शहीद हवलदार कमल सिंह ने हमले से कुछ ही देर पहले वीडियो कॉल पर पत्नी रजनी से बात की थी, लेकिन क्या पता था कि ये आखिरी बात हो रही है। सैनिक सम्मान के साथ शहीद कमल सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। साथी जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया और वतन के बलिदानी को आखिरी नमन किया। शहीद हवलदार कमल सिंह साल 2007 में सेना में भर्ती हुए थे और इस समय 22वीं गढ़वाल राइफल्स में तैनात थे। इस वक्त उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। पूरा गांव, सिर्फ उनका गांव नहीं बल्कि आसपास के जितने भी गांव हैं, सभी गांव से लोग उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे हैं। क्या कहना चाहेंगे, उनको कैसे याद करें? हमें गर्व है उन पे कि इतने बड़े क्षेत्र में हमारा पूरा ये पैनो क्षेत्र है, कम से कम इसमें 20 से लेकर के 30 गांव तक हैं और सभी गांव के लोग, अगल बगल के गांव के भी, दूर के भी सभी लोग यहां पे उनको जो है श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए हैं। बहुत गरीब परिवार से थे और बचपन से ही, जब से पैदा हुए हम तो 60 साल के होने वाले हो, हमारे सामने बच्चे के समान है। उसने बहुत बड़ी परिश्रम किया और बहुत बड़ी परिश्रमों के बावजूद थोड़ी जिंदगी सुधरी थी, परिवार सुधरा था और आज सारा परिवार बिखर चुका है।
परसों कठुआ में आतंकवादियों ने सेना की गाड़ी पर गोलियां बरसाई, जिसमें कमल सिंह शहीद हो गए। देश अपने बलिदानी सपूत को श्रद्धांजलि देता है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.